तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ये एक अपने आप में देखने में तो ऐसे छोटा सा टॉपिक है, बट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यदि इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पे जाएंगे अपन तो इट इज टू मच, जो है कुछ ज़्यादा ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। तो जब वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की बात करते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता होगा, वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करता होगा। और बिल्कुल इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। और हम ये पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल सिस्टम में वी मस्ट हैव टू रिड्यूस द वाइब्रेशन, इवन वी हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट द वाइब्रेशन, कि वाइब्रेशन जीरो हो जाए, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ ना कुछ वाइब्रेशन रह जाता है, बट अप टू सम एक्सटेंट हम इतना कम कर देते हैं वाइब्रेशन को तो उसके चलते कोई डेंजरस इफेक्ट ना हो हमारे सिस्टम पे, उसके चलते कोई मैकेनिकल पार्ट्स ब्रेक ना हो, कोई टूटे फूटे नहीं, इस तरह से हम लोग एक कोशिश जो है करते हैं। और उसी कोशिश में हमने बताया था कि उसका बेसिक कंपोनेंट होता है जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का, दैट इज द स्प्रिंग एंड डैम्पर। अब देखिए, दुनिया में जितनी भी जो है अच्छी कारें हैं या जो भी सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, वो कंफर्ट तभी देता है जब हम वाइब्रेशन कम से कम जो है उसमें प्रेजेंट रखें। कोशिश हमारी ये रहती है कि वाइब्रेशन शुड बी एलिमिनेटेड 100%, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट इट 100%, बट अप टू सम एक्सटेंट वी कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन, वी कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के अमाउंट को हम जो है काफी हद तक कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए जो है हमने बेसिक जो एलिमेंट बताए थे दैट वाज दी स्प्रिंग एंड डैम्पर, ठीक ना। अब देखिए, आज हम लोग एक एडवांस इसमें टेक्निक पढ़ेंगे कि स्प्रिंग और डैम्पर के साथ साथ हम लोग एब्जॉर्बर मास भी लगाते हैं। बेसिकली ये एब्जॉर्बर मास थोड़ा सा आपको याद दिलाएं तो आप यदि फोर व्हीलर्स की कभी बैलेंसिंग कराने गए होंगे तो व्हील की जब बैलेंसिंग करता है तो आप देखेंगे कि 5 से 10 ग्राम का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा आपके रिम पे चिपका होता है कहीं ना कहीं, आप देखिएगा तो 5 से 10 ग्राम का जो है लोहे का टुकड़ा एक जो है चिपका हुआ होता है। वो क्या करता है कि सिर्फ उसको हटा करके दूसरे जगह पर लगा देता है या कोई और एक 5-10 ग्राम का वेट उसमें वह जोड़ देता है। तो बेसिकली वो क्या है, एब्जॉर्बर मास है, ठीक है। और एंड सो नाउ यू कैन डिफाइन कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज बीइंग यूज्ड फॉर पैसिव डिवाइसेस अटैच्ड टू द वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर। सच डिवाइस आर मेड अप ऑफ मासेस अलोंग विद द स्प्रिंग एंड डैम्पर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है हमने बता दिया कि टू रिड्यूस द वाइब्रेशन ऑफ प्राइमरी डिवाइस बाय एडिंग एन एब्जॉर्बर टू द सिस्टम। अब जो इसका एप्लीकेशन है तो कहीं भी रेसिप्रोकेटिंग जो मास है, जैसे कि क्रैंक है आपका, कनेक्टिंग रॉड है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग। तो वहां पर जो है हम कैसे अनबैलेंस मास को कम कर सकते हैं, बिल्डिंग द एक्साइटेड जो है बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक रेजिस्ट बिल्डिंग जो बनाते हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कैसे होता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ डैम्पर एब्जॉर्बर मास एटीसी। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द टेलीफोन लाइंस, ठीक ना। कई बार आप देखते होंगे, आप जो है फील भी किए होंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन होता है, रेलवे लाइन जो होता है, बेसिकली उसके वायर्स काफ़ी जो है हेवी होते हैं और आंधी तूफान में क्रिटिकली जो है लोड के चलते वह ब्रेक भी हो जाता है, वाइब्रेट होता है, और अन इवन वाइब्रेशन के चलते कई बार पिलर्स भी उखड़ जाते हैं आंधी तूफान में। तो उसको भी आप कम करने के लिए एक एब्जॉर्बर मास का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़े हम तो दीज आर दी सिचुएशन कि हाउ द
वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मास वर्क विद द मैकेनिकल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर एक कोई मैकेनिकल सिस्टम है जहाँ पर कि स्प्रिंग और मास आपने यूज कर लिया है। स्प्रिंग यूज करने के बावजूद भी देयर इज वाइब्रेशन, वहाँ वाइब्रेशन है। तो फिर और कैसे हम रिड्यूस करें, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगेन वी यूज वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ठीक है, तो अब देखिए इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें, यहाँ पर हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है आपका? हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स। अब इसको जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो ये स्टेटिक इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा या आप लाना चाहेंगे, लेकिन ये कब आएगा? जब आप यहाँ फोर्स अनबैलेंस फोर्स जीरो करेंगे, लेकिन वो तो जीरो आप कर नहीं रहे हैं क्योंकि आप तो कंटिन्यूअस जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अनबैलेंस फोर्स भी कंटिन्यूअसली जनरेट होगा। ठीक है ना, अब जब कंटिन्यूअसली अनबैलेंस फोर्स जनरेट होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है ना, अब वो अनबैलेंस्ड फोर्स कितना होगा आपका, वह आपको देखना है। यहाँ पे कुछ जो अनबैलेंस्ड फोर्स निकल करके आएगा आपका, क्या निकल करके आएगा बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स, याद रखिएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक ना, अनबैलेंस्ड फोर्स जो निकल करके आएगा उतना ही फोर्स जो है जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक और मास लगाना होगा छोटा सा, क्योंकि आपको मालूम है कि अनबैलेंस फोर्स तो बहुत मिनिमम अमाउंट का होगा। यदि यह मिनिमम अमाउंट का होगा तो एक मिनिमम अमाउंट का मास जो है आपको यहां लगाना पड़ता है। यही जो है मास जो M2 आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बेसिकली क्या है, एब्जॉर्बर मास है। ठीक है, तो अब कोई सिस्टम आप देखते हैं, ठीक ना, यही सिस्टम आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए आपका मास हो गया जिसकी वैल्यू क्या है, एम है। ठीक ना, ये स्प्रिंग एक एब्जॉर्बर सिस्टम के लिए लगा रहे हैं, ये लेग्स आपका अलग सिस्टम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वाइब्रेशन जो रिड्यूस कर रहे हैं उससे मतलब है हमको ये एब्जॉर्बर सिस्टम, मतलब एब्जॉर्बर सिस्टम में क्या रहेगा, एक स्प्रिंग रहेगा, एक मास रहेगा और डैम्पर भी रह सकता है, डैम्पर भी रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि पैरेलल दो सिस्टम बन रहा है आपका, एक किसका, आपका जो मेन सिस्टम है वो, और दूसरा कौन सा बन रहा है, एब्जॉर्बर सिस्टम। ठीक है, तो अब दो सिस्टम पे काम करना है हमको। ठीक है, तो अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, अब आप बोल सकते हैं कि बेसिकली वाइब्रेशन एनालिसिस में जो भी डायनामिक वाइब्रेशन है या स्टेटिक जो है वाइब्रेशन है, इन बोथ केसेस एब्जॉर्बर न्यूट्रलाइजर इज ट्यून्ड विथ द गिवन स्प्रिंग मास सिस्टम विच विल रिड्यूस और एलिमिनेट द वाइब्रेशन ऑफ ए हार्मोनिकली एक्साइटेड सिस्टम। अभी जो हमने आपको दिखाया, ये जो है आपका हार्मोनिकली एक्साइटेड फोर्स है, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, हार्मोनिक एक्साइटेशन फोर्स है। दैट मींस जो है वी हैव टू रिड्यूस द अनबैलेंस्ड फोर्स फ्रॉम द रेसिप्रोकेटिंग मास एंड फ्रॉम द रोटेटिंग मास। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं कि देखिए अब इसको जो है, अभी तक हम लोग इक्वेशन निकालते थे, तो आज किस तरह से इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन वही है, ठीक ना, बट डबल इक्वेशन है। डबल इक्वेशन कहने का मतलब कि एक तो ये गिवन सिस्टम है, जो ऊपर आप देख रहे हैं ये आपका गिवन सिस्टम है, और नीचे भी जो है इंसर्टेड सिस्टम है जो आपने इंसर्ट किया है गिवन सिस्टम के अंदर टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। यहाँ पर आप जो है इक्वेशन डिराइव किए हैं मास वन का और मास टू का। मास वन का यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका क्या है, मास वन का इक्वेशन है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट कर लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम अंडरस्टूड है, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एफ नॉट साइन ओमेगा टी फोर्स आपने लगाया है, K1 X1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में
स्प्रिंग के द्वारा लगा है, क्योंकि स्प्रिंग तो रेजिस्ट करेगा कंप्रेस होने से, और जो दूसरा स्प्रिंग हमने जो लगाया है के टू, तो उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एम टू मास में सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वह है के टू एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी चीज को हमने यहाँ पर जो है दिखाया है, इक्वेशन डेवलप किया है। अब इस इक्वेशन को आप देख लीजिए, किसी को डाउट हो, ठीक है, इक्वेशन में डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम में, तो आप इसको पूछ सकते हैं हमसे, ठीक ना। आप जो है देख लीजिए इसको, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना, और मैट्रिक्स फॉर्म में ये हम इक्वेशन लिख सकते हैं। एम कैपिटल एम को बोलते हैं मास मैट्रिक्स, के को बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स, और साइन ओमेगा टी, तो बेचारा साइन ओमेगा टी है, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आप बोलेंगे तो नाराज हो जाएगा, किसी को नाराज नहीं करना। देखिए मास मैट्रिक्स और ये स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये कहां से लाए, इस इक्वेशन से, ठीक है ना। आप ध्यान देंगे तो मास के जगह पर एम वन और एम टू, और यहाँ पर स्टिफनेस मैट्रिक्स की जगह पर के वन प्लस के टू यहाँ पर है, और यहाँ माइनस के टू है, के वन प्लस के टू माइनस के टू, और यहाँ पर माइनस के टू, और यहाँ प्लस के टू x2 के जगह पे, ठीक है। इसको हम जो है सॉल्व कर दें, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं देन यू फाइंड दिस मैट्रिक्स, ठीक ना, ये मैट्रिक्स आपको इसको जो है किसको डाउट तो नहीं है, और फिर जो है हमने यहाँ पर डिटरमिनेंट निकाला है, ठीक ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक ना, सब राम कहानी कहाँ से आया है, जो पिछले उसमें ये हमने आपको शो किया था, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक ना, फोर्स रिस्पांस को यहाँ पर सॉल्व किया है, देख लीजिए ये इक्वेशन निकल करके आया, वेयर a1 and a2 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ x1 एंड x2, मास 1 का जो है एम्पलीट्यूड है और ये मास 2 का एम्पलीट्यूड है, ये दोनों एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पर निकल गया है। यहाँ पर देखिए a1 और a2 जो आपने निकाला, ठीक है ना, और इससे ये फ्रीक्वेंसी निकल करके आ गया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी निकल करके जो आया है दो फ्रीक्वेंसी निकल करके आया है, और दो भी नहीं चार फ्रीक्वेंसी निकल करके आएगा, क्योंकि तो कल हमने समझाया था आपको कि ये ओमेगा वन वन, तो वन मतलब मास वन का, मास वन के चलते जो फ्रीक्वेंसी है, और मास डब्लू वन टू मतलब मास वन का फ्रीक्वेंसी ड्यू टू मास एम टू, एक का फर्क दूसरे के चलते जो है आपको देखने मिलता है, ठीक ना। तो ये ओमेगा 22 और ओमेगा 11 इक्वल टू कब हो जाएगा, जब k1 इक्वल टू k2 हो जाए और m1 इक्वल टू m2 हो जाए, ये दोनों जब बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी आपकी सेम हो जाएगी, ठीक ना। तो ये जो 22 है, ये 22 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास m2 ओनली ड्यू टू द मास m2, और यही एफ डब्लू टू वन लिख देते तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मास एम टू ड्यू टू द मास एम वन, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रखिएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, तो इक्वल है ये रिलेशन बन जाएगा, ये रिलेशन निकलेगा तो मास रेशियो क्या लिखते हैं हम, m2 upon m1 is being defined as mass ratio, ठीक है। तो इन समरी दैट यू कैन स्टेट दैट व्हेन k2 एंड m2 आर सिलेक्टेड टू सेटिस्फाई इक्वेशन दिस वन, दैट मींस कि a1 यदि जीरो हो जाए, कब जीरो हो जाएगा, जब ओमेगा 11 ओमेगा 22 इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना, दैट मींस एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द एब्जॉर्बर मास एट दिस कंडीशन, दैट मींस कि मास m2 जो है वो पूरा का पूरा वाइब्रेशन क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसने अपने नाम को सार्थक कर दिया, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। अब आगे यदि आप बढ़कर के इक्वेशन निकालते हैं तो दिस इक्वेशन यू फाइंड हियर, यह इक्वेशन क्या है, अच्छा म्यू क्या है आपका, म्यू क्या है मास रेशियो, और आर क्या है फ्रीक्वेंसी रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो इज बीइंग डिफाइंड हियर एट ओमेगा अपन ओमेगा 11 या ओमेगा अपन ओमेगा 22, ठीक है। तो यहां पर जो है ओमेगा 11 और ओमेगा 22, यहां पर आप ध्यान देंगे, यदि यहां पर आप ध्यान देंगे क्या मिल रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ पर क्या मिल रहा है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हमने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने क्या किया है, क्या ब्रेक किया है। अच्छा यहाँ पर ये जो आपका ये जो एम्पलीट्यूड अपन एफ नट अपन के वन निकलेगा, एफ नट अपन के वन, एफ नट अपन के वन को थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ये एफ नट क्या है, आप फ्रीक्वेंसी नहीं है ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स आपने लगाया है एफ नट अपन के वन, तो ये जो है ये एफ नट अपन के वन को बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, तो एम्पलीट्यूड अपन स्टैटिक डिफ्लेक्शन को ये हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर, क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस बेसिकली क्या है, मैग्निफिकेशन फैक्टर, या इसी को किसी किसी बुक में लिखा हुआ है मैग्नीफाइंग फैक्टर, जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज किया करते थे कहाँ पर, फिजिक्स में 12th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है ना, कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, उसी तरह से मैग्नीफाइंग लेंस भी यूज करते हैं। तो बेसिकली ये मैग्नीफाइंग फैक्टर क्या करता है, आपके वाइब्रेटरी जो एब्जॉर्बर सिस्टम है उस एब्जॉर्बर सिस्टम को जो है मैग्नीफाई करता है। मैग्नीफाई करने का मतलब क्या है कि एक छोटा सा स्प्रिंग अलोंग विद छोटा सा मास वह एक बड़े स्प्रिंग का काम करता है, दैट मीन्स कि आपके जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स थे उसको एब्जॉर्ब करता है। अब एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को हम जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेशियो के रेस्पेक्ट में जो है एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ग्राफ प्लॉट आप करेंगे तो देखेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑलमोस्ट इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, क्या है कंडीशन ऑफ द रेजोनेंस, एट दिस कंडीशन, एट दिस कंडीशन द एम्पलीट्यूड रेशियो दैट मीन्स द मैग्नीफाइंग फैक्टर इज गोइंग टू बी इनफिनाइट। अब यदि किसी सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो है इनफिनाइट हो जाए तो क्या होगा, वह सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ इनफिनाइट हो नहीं सकता है, किसी मशीन कंपोनेंट का यदि वो इनफिनाइट होने जा रहा है इसका मतलब क्या, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ द डैमेज। That means you have to avoid, you have to always avoid the frequency ratio equal to 1. That means again I'm telling you, you have to avoid the condition of resonance. ठीक है, ये resonance का ही condition तो है,
जिसके चलते कहा जाता है सैनिक को कि ब्रिज पे आप जो है कदम ताल लेकर के कदम ताल मिला करके मत चलो। क्यों? कि वहां सिस्टम की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इक्वल हो गई। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 हो गया, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की जो एम्पलीट्यूड हो गई वह क्या हो गई, इनफिनाइट, और ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो क्या होगा कि ब्रिज भी सोचता है कि रेदर देन टू बी इनफिनाइट इन लेंथ, है ना, इनफिनाइट डिफ्लेक्शन के बजाय ब्रेक हो जाएगा। जैसे कोई बीम है, है ना, जैसे कोई बीम है आपका, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में कोई आप ऐसा कंडीशन दे दिए, ये ऐसा कंडीशन आपने दे दिया कि इसकी डिफ्लेक्शन क्या हो गई आपकी, इनफिनाइट, है ना। अब आप मुझे ये बताइए, ये आपने देख लिया कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर डेफिनेटली आप जो है लोड लगा रहे हैं, ठीक ना, ये क्या आप लगा दिए, लोड लगा दिए। ये जो लोड आपने लगाया, ये जो आपने लोड लगाया, तो इस लोड के चलते क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन कैसा होगा, हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं दूसरे कलर से। ये डिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होगा कि नहीं, अब ये डिफ्लेक्शन कितना हो गया, वाई जो आप बचपन में पढ़ते थे, ये जो है क्या हो गया आपका, वाई डिफ्लेक्शन हो गया। यदि दोस्तों वाई डिफ्लेक्शन हुआ, अब मैं बोल रहा हूं कि वाई इनफिनाइट हो, ये क्या वाई इनफिनाइट हो सकता है क्या, मतलब किसी सिंपली सपोर्टेड बीम का जो है डिफ्लेक्शन इनफिनाइट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कब? जब ये टूट जाए। जब ये टूट ही गया तो अब इनफिनाइट मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, तो कोई भी बीम अचानक से कब टूटता है, ऑल ऑफ सडन कब टूटता है, जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 हो जाती है। और इसको जो है इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन डेराइव करके हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि क्यों इनफिनाइट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा, किसी को डाउट है, क्योंकि फिर लौट करके नहीं आएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो नहीं डाउट है किसी को? चलो हमारे बच्चे सब बुद्धिमान। नो सर। ओके राघवेंद्र, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, आइदर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल, लेकिन आएगा जरूर, 100% आएगा। तो ये हमने आपको बताया, अब उसी को जो है फ्रीक्वेंसी रेशियो, अब फ्रीक्वेंसी रेशियो यहाँ पर देखिए, अब बोलिएगा सर यहाँ पे दो दो फ्रीक्वेंसी रेशियो दिख रहा है, R1 और R2, भाई R1 R2 तो दिखेगा ही ना, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि तो R1 क्या था, ओमेगा अपन W11, याद कीजिए, देखिए यहाँ पर W1 अपन W11 और ये W2 अपन W11, है कि नहीं। तो W1 एंड W2 यदि कॉमन फ्रीक्वेंसी लेंगे W, तो क्या हो जाएगा, W अपन W11 और W अपन W22, ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेशियो आ गई, ठीक ना। और म्यू क्या है यहाँ पर, मास रेशियो, ठीक ना, M1 अपन M2, M1 किसका मास है याद कीजिए, बिल्कुल ये जो है M1 जो है आपके मैकेनिकल सिस्टम का जो है मास है, और M2 क्या है, एब्जॉर्वर मास है, ठीक ना, जो कि हमने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि कभी भी फोर व्हीलर्स में आप देखेंगे तो उसके आगे या पीछे का रिम देखिए, रिम पे आपको एक 5-10 ग्राम का एक छोटा सा मास लगा हुआ है, ये वही एब्जॉर्वर मास है एक्चुअली, ठीक है। तो वही 5-10 ग्राम का जो मास है आपका उस रिम पे लगा हुआ, तो जो है वह क्या हो गया आपका, एब्जॉर्वर मास, ठीक है। और M1 क्या हो गया, मास ऑफ द सिस्टम, मतलब जो भी आपके कार का जो एक्चुअल वेट है, और यदि व्हील की बात कर रहे हैं तो रिम कितने कार में होंगे, 4 रिम होंगे, ठीक ना। तो टोटल मास ऑफ द कार डिवाइडेड बाई पूर कर दीजिए, तो दैट विल बी द M1, और जो एब्जॉर्वर मास यूज किए हैं दैट विल बी द M2।
ठीक है। अब ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब ब्रिज जो है, हमने जो अभी आपको बताया कि ब्रिज कई बार कोलैप्स कर जाता है, ठीक ना। तो हमने आपको बताया कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो है आज से नहीं, सदियों से यूज हो रहा है, ठीक ना। ब्रिज में बड़े बड़े जो भी ब्रिज है वहां पर यूज होते हैं, ठीक ना। यदि यहाँ पे वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज हुआ होता तो शायद ये नहीं टूटता, ठीक ना। बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, ठीक ना, एयरक्राफ्ट में, ठीक ना, ट्रांसमिशन लाइन में, अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, ये जो छोटा छोटा ये जो लगा हुआ है, ठीक ना, कई बार आदमी सोचता है कि ये है क्या, ठीक ना, इसकी क्या यूज है, ठीक ना, यहाँ अलग से मास्क लगाने की क्या जरूरत है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या जरूरत है, ठीक ना। ये एक्चुअली एब्जॉर्बिंग मास है, एब्जॉर्बर मास है। अब वाइब्रेशन एब्जॉर्बर भी जो है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की शादी हुई और इसके भी चार बच्चे हैं, ठीक ना। ये चारों बच्चों को हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल पढ़ेंगे, ठीक ना, जिसमें एक ट्यून्ड एब्जॉर्बर भी है, ठीक ना। ट्यून्ड एब्जॉर्बर जो है रेलवे ब्रिज में जनरली आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक ना। इस तरह का आप कई जगह देखे होंगे, वहां पर आपको ये ट्यून्ड एब्जॉर्बर देखने मिलता है। ट्यून मास डैम्पर, ठीक ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में आपको देखने मिलते हैं, ठीक ना। अब कई बार देख करके, अब ये तो क्या है कि थोड़ा सा इस पे फिनिशिंग दे दिए हैं, इर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, या अपीयरेंस के लिए जो है कि देखने में लुक वाइज अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि कहीं हम डैम्पिंग मास जो है क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बर मास यूज किए हैं और उसके चलते अपीयरेंस में या जो है लुक वाइज, ठीक ना, या एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने में खराब लगे या अनकंफर्ट लगे, तो उससे बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा जो भी एब्जॉर्बर मास है उसको डिजाइन वाला बना देते हैं, ठीक है। तो वंस यू गिव द डिजाइन, इट लुक्स वेरी फाइन एंड इट वर्क्स टेक्निकली अगेन वेरी फाइन एज ए एब्जॉर्बिंग मास, एब्जॉर्बर मास, ठीक है। अब द बेस्ट एग्जाम्पल शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है ना। Shock absorber is also one of the major application of the vibration absorber. Shock, यदि आपका shockup यदि खराब हो गया हो गाड़ी में और तब आप चलाए हो, तो that you can feel vibration absorber की जो importance आपको पता चलेगा। तो basically shock absorber, that means shock absorber क्या होता है, आपको हमने कई बार example दिया है कि वो basically जो है क्या है, स्प्रिंग और डैम्पर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, डैम्पर में भी वो कौन सा डैम्पर है, विस्कस डैम्पर है। डैम्पिंग की फिनोमेना जो वहां होती है कौन सी होती है, जो है विस्कस डैम्पिंग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर देख लीजिए, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो है चार टाइप का हमने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये चारों टाइप का हम जो है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है 5 मिनट का टाइम है तो हो नहीं पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर ये हमने आपको बता दिया कि बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मास एंड स्प्रिंग, व्हेन प्राइमरी सिस्टम इज एक्साइटेड बाय हार्मोनिक फोर्स इट्स वाइब्रेशन कैन बी सस्पेंडेड बाय अटैचिंग ए वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ठीक है ना। हाउ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर वर्क्स, ठीक है ना, तो किसी भी सिस्टम में ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं That we use as a vibration absorber. ये देख रहे हैं आप ऊपर में MA. MA जो है क्या है, absorber mass. ये आपका original system है. ऊपर में जो आप देख रहे हैं that is the original system. ठीक ना, और ये supporting absorber आपने यहाँ यूज किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कि displacement, ठीक ना, main mass है और ये क्या है, frequency है, क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, और ये ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि यू हैव टू ऑलवेज अवॉइड द रेजोनेंस, अदरवाइज योर सिस्टम में भी फेल। ये सब इक्वेशन की राम कहानी हमने आपको बताया, और कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, ये डिस्टर्बिंग फोर्स को जो है जीरो कर देना है,
तो सिस्टम विल गो इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने का एक मात्र जो है, जो आपके पास औषधि है जिसको बोलते हैं रामबाण, ठीक है ना, दैट इज दी ओनली यू हैव टू मेक इट जीरो नेट फोर्स प्राइमरी मास का डिस्टर्बिंग फोर्स आपको क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है। अब ये सब हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसी में बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि देयर इज ए फ्रीक्वेंसी रेंज, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका मास नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, उस फ्रीक्वेंसी रेंज में मास नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फटिक फेल्योर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फटिक फेल्योर, ठीक है ना। अब कल जो है हम लोग इसमें डैम्पिंग का इक्वेशन पढ़ेंगे, क्योंकि आज डैम्पिंग का इक्वेशन संभव नहीं है इस शॉर्ट लेक्चर में, कल हम लोग ये पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्या होता है, ये सब हम बताएंगे। फिर टाइप ऑफ द वाइब्रेशन में ट्यून्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ये भी हम आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, आज यहीं तक हम